गुड मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, आज हम सिविक्स का फर्स्ट लेसन देखेंगे बच्चों, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान, उसके बारे में, उसमें क्या है, कौन से नियम है, उसके बारे में हम इस लेसन में जानकारी लेंगे. सो लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक्स ऑफ द प्रीवियस क्लासेस. वी सॉ मेनी रीजन्स Why rules are necessary in our lives. हमने सिक्स स्टैंडर्ड में देखा था बच्चों की सिविक्स के टेक्स्ट बुक में कि हमें रूल्स क्यों ज़रूरत है, रूल्स की, नियमों की क्यों ज़रूरत है. वी फॉलो नॉर्म्स एंड रूल्स इन ऑर्डर दैट द एक्टिविटीज इन द फैमिली, आवर स्कूल, आवर विलेज और सिटी आर कैरिड आउट स्मूथली. मतलब जो हमें रूल्स चाहिए, मतलब जो नियम रहते हैं वो हमारे फैमिली में, स्कूल में, अपने गांव में, शहर में, ये अच्छे से चलने के लिए, मतलब अच्छे से नियमों से चले, इसलिए ऐसे नियम और कानून बने हुए रहते हैं. अगर वो नहीं रहेंगे तो मतलब जो हमारा दैनंदिन व्यवहार है या तो जो डेली का अपना जो भी वर्क रहता है वो अच्छे से नहीं चलेगा. देन However, there are norms about the behavior of members in a family. There are rules in a school regarding admission, uniform and studies. मतलब family में नियम नहीं रहेंगे तो हर एक जो family member है वो कैसा मतलब behave करता है यह हमें पता नहीं चलता, या तो इसके बारे में हमें पता चलता है. The administrations of our village or city is also carried out in accordance with rules. मतलब स्कूल में देखो हमारे एडमिशन के लिए और यूनिफॉर्म के लिए, स्टडी के लिए, सारे ये जो इससे रिलेटेड सारे हैं स्कूल के, स्कूल से रिलेटेड, इसके लिए क्या रहते हैं, रूल्स रहते हैं. सिमिलरली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ कैरिड आउट थ्रू अ सिस्टम्स ऑफ रूल्स. द रूल्स रिगार्डिंग फैमिली, स्कूल, विलेज और सिटी आर लिमिटेड इन नेचर, बट द रूल्स और provisions about the administrations of a country are much wider in scope. मतलब जिस प्रकार स्वदेश का जो सारा जो handling रहता है पूरे country का, वो भी देश को carry कर, देश को चलाना, उसका शासन चलाना, ये सब क्या नियमों से चलता है. अपना family, अपना school, गांव, शहर से रिलेटेड जो रूल्स रहते हैं वो लिमिटेशन रहते हैं, लेकिन जो कंट्री से रिलेटेड जो रूल्स रहते हैं उसके लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे कायदे कानून रहते हैं. सो इसमें देखते हैं, डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चंस दैट पजल्स समीरा एंड वंदना. Where can we find all the rules according to which the administrations of the country is carried out? मतलब समीर और वंदना इन दोनों को प्रश्न उनके मतलब सामने खड़े हैं कि देश का जो कारोबार है वो जिस नियम से चालू होता है वो नियम किधर रहते हैं. Who makes those rules? Is इट्स बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम. वो नियम कौन तैयार करते हैं, उनको पालन कौन करता है, उसके पालन कौन करते हैं, वो बंधनकारक कितने रहते हैं. सी वेदर यू फाइंड द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन द फॉलोइंग टेक्स्ट. मतलब इसका अर्थ आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा. द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस द बुक इन विच ऑल द provisions regarding the administrations of the country are maintained together in a systematic way is called as a constitution. मतलब क्या, देश का कारोबार चलाने के लिए जो बहुत सारे ऐसे तरतूद होते या तो नियम्स रहते उसको एकत्रित बने, इकट्ठा जिस ग्रंथ में लिखे गए हैं उसको क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं.
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री आर मेंटेन टुगेदर इन अ सिस्टमेटिक वे इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन. दिस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. मतलब जो संविधान है वो देश का राज्य कारोबार मतलब देश का जो कारोबार चलाने का एक लिखित दस्तावेज है. और गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. जो लोगों में से जो हम प्रतिनिधि चुनते हैं और उससे ही सरकार स्थापन करते हैं. इट इज़ बाउंड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और उससे ही क्या होते हैं संविधान में जो नियम रहते हैं वो राज्यों का कारोबार चलाने के लिए वो क्या कहते हैं सरकार पे शासन पे बंधनकारक रहता है. और the rules and provisions in the constitution are the basis or fundamental law of the land. while making laws the government is bound to follow the constitution. if it does not do so then the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional. मतलब संविधान में जो नियम रहते हैं या तो उससे रिलेटेड जो कायदे रहते हैं वो मूलभूत रहता है मतलब मुख्य रहता है. और संविधान से जो कायदे कानून बनते हैं वो गवर्नमेंट को नहीं मतलब संविधान में लिखित जो रहते हैं जो भी कायदे उसका पालन करना हमारा कर्तव्य रहता है. और उसमें संविधान में जो रूल्स लिखे गए उसको चेंज करना हमारा मतलब सरकार का नहीं काम रहता है. वो उसका उसमें बदलाव करने का काम न्यायमंडल को दिया रहता है. सो प्रिविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में कौन कौन से नियम्स हैं. द प्रिविजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप द राइट्स ऑफ सिटीजन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉज टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट इलेक्शन रिस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट ज्यूरिसडिक्शंस ऑफ द स्टेट एक्सेट्रा. मतलब संविधान में बहुत सारे ऐसे नियम कायदे लगे हुए किन किन मतलब बातों में है या किससे रिलेटेड है. नागरिकत्व जो नागरिक है देश के नागरिक है उनके हक और शासन संस्था इनसे इनके संबंध उसके साथ साथ शासन को कौन सा काम करना है कौन सा कायदा करना है उससे रिलेटेड विषय उसके साथ साथ इलेक्शन शासन की उससे रिलेटेड लिमिटेशन कौन से रहते हैं और उसके साथ साथ राज्य के अधिकार क्षेत्र ये सारे जो है ये सब इंक्लूड संविधान में होता है. ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नर्स अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब संविधान के अनुसार राज्यों का कारोबार चलाने का तत्व बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया है. येट द नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज डिफरेंट. मतलब हर एक देश का अलग अलग संविधान है अलग अलग मतलब स्वरूप उसका अलग है. देन देर आर डिफरेंस ऑफ हिस्ट्री सोशल स्ट्रक्चर्स कल्चर ट्रेडिशनल एक्सेट्रा. उसका हिस्ट्री अलग है समाज की रचना अलग है कल्चर अलग है उधर की परंपराएं अलग है. इन सारी बातों में हर एक देशों में भिन्नता है. सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो माइट बी डिफरेंट. Each country tries to create a constitution that is not only suited to its needs and objectives but also is in tune with its distinct nature. मतलब उसके साथ साथ जैसे उनकी समाज रचना या तो हिस्ट्री अलग अलग देशों के अलग अलग होते हैं इस तरह उनके राष्ट्र वैसे ही उनके राष्ट्र जो जो अलग राष्ट्र है उनके जो नीड्स है
और उनके जो उद्दिष्ट है वो भी अलग अलग रहते हैं, और उसके अनुसार ही संविधान की हर एक राष्ट्र अपने अपने संविधान की रचना करते हैं। अभी इधर दिया है फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑफ यूर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, नेम द कंट्री। इधर दिया है कि आपको किसी एक कंट्री के बारे में मतलब जानकारी करनी है या तो लेनी है। अभी देखते हैं बच्चों द एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूएसए एंड इंग्लैंड, यूके इज कैरिड आउट एज पर देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज टू कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट। मतलब बच्चों अमेरिका इंग्लैंड इन देशों का राज्यों का राज्य इन देश देश के राज्यों का कारोबार जो है संविधान के अनुसार चलता है, लेकिन इन दोनों संविधान में फ़र्क है। उदाहरण के रूप में अमेरिका का संविधान 1789 में शुरू हो गया और वो लिखित है और उनके केवल 7 कलम हैं, परंतु दो 225 साल हो गए अमेरिका के उस संविधान में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। अभी नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, देयर आर सर्वल एडवांटेज ऑफ गवर्निंग अ कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान की हमें आवश्यकता क्यों हो गई, संविधान की आवश्यकता होने के लिए संविधान में नमूद किए हुए सारे जो नियम से उनसे राज्यों का कारोबार करने से हमारे राज्यों का कारोबार करने के लिए कौन कौन से फ़ायदे हैं, तो हम देखते हैं गवर्नमेंट हैज़ टू फंक्शंस विद इन अ सेट ऑफ रूल्स, दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ द मिसयूज ऑफ द पावर एंड अथॉरिटी दे हैव बीन गिवन। मतलब जो सरकार रहते हैं शासन गवर्नमेंट रहता है उसको रूल्स के मतलब अपने रूल में ही रह के ही राज्यों का कारोबार करना पड़ता है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, जो उनको जो अधिकार मिला हुआ रहता है या तो अपना ही सत्ता मिली हुई रहती है उस सत्ता का उनको दुरुपयोग करना एक गुनाह माना जाता है, और जो उनके हाथ में सत्ता आई हुई है उनका वो दुरुपयोग कर नहीं सकते। अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन्स, मतलब संविधान में नागरिकों का हक और उनके फ्रीडम का स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स, देयरफॉर पीपल्स राइट्स एंड फ्रीडम्स आर सेफगार्डेड। मतलब और गवर्नमेंट को वो हक मतलब हर एक नागरिक से हम छीन नहीं सकते, इसलिए नागरिकों के हक और उसकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। रनिंग अ कंट्री एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेम एज एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ। मतलब संविधान में जो नियम दिए हैं उनसे राज्यों का कारोबार करना मतलब कायदे जो रहते कानून रहते हैं उनसे राज्य प्रस्थापित करने जैसा होता है। देन द देर इज़ नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पावर और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशंस। मिस संविधान के तरतूद मतलब संविधान में जो भी नियम हैं उनसे राज्यों का कारोबार करना मतलब क्योंकि उसमें अपनी जो सत्ता होती है उसका मिसयूज करना या तो अपनी मनमानी करना ये सबको उधर चांस नहीं रहता है। इफ़ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द फेथ दैट द कॉमन पीपल हैव इन द गवर्नमेंट इनक्रीजेस। मतलब संविधान के अनुसार राज्यों का कारभार अगर हो रहा है चल रहा है तो ये सब देख के सामान्य मनुष्य जो है उसका गवर्नमेंट पे ट्रस्ट होने लगता है, उससे क्या होते है कि वो पार्टिसिपेट होने के लिए उत्सुक होते और अनेक ऐसे लोगों से ऐसा उत्साह देख के लोकशाही जो होती है अपनी
वो क्या होती है, मजबूत होने लगती है। इफ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द फेथ द कॉमन पीपल हैव इन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस, दे देन बिकम कीप ऑन प्रैक्टिस पार्टिसिपिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंज्ड ड्यू टू द इनक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। मतलब हाँ, वैसे जैसे सहभाग अगर ऐसे जैसे कॉमन मनुष्य का, मतलब कॉमन पीपलों का अगर इस पर पार्टिसिपेट हो गया तो उससे क्या होता है, अपनी जो लोकशाही है वो मजबूत बनती है। देन नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री, द नेशन इज ऑल्सो बॉन्ड टू एक्ट इन द दैट डायरेक्शन, इन क्रिएट्स एन एटमोसफियर कंडक्टिव ऑफ टू अटेंड वर्ल्ड प्लेस पीस एंड सिक्योरिटी एंड प्रिजर्विंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब संविधान जो है वो उन सारे देशों के आगे राजकीय जो रहता है वो आदर्श रखता है, उस दिशा से वो काम करने लगता है, और उसके साथ साथ उस प्रकार के जो बंधन रहते हैं वो भी उस राष्ट्र पे बने रहते हैं। उससे ही जागतिक संतता, मतलब उससे ही क्या बोलते हैं उसको दुनिया में, संसार में शांतता और सुरक्षितता, मतलब प्रोटेक्शन और मनुष्य के हक, इसका संवर्धन होना, मतलब सुरक्षा रहना, सुरक्षित रहना, ये पॉसिबल रहता है और ऐसा वातावरण निर्माण होता है। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ सिटीजन्स ड्यूटीज, इट फिक्सेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स एज वेल। मतलब नागरिकों के कर्तव्य का उल्लेख संविधान में हुआ है, और इसे नागरिकों की जवाबदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉट इज एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब राज्य का कारोबार क्या है। वॉट इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक लॉज रिलेटिंग टू सर्वल सब्जेक्ट सच एज डिपेंडिंग द बॉन्डिंग्स प्रोटेक्टिंग द पीपल फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेसिंग इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेस, इनकरेजमेंट टू कॉमर्स, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शंस, मेकिंग पॉलिसी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमन, चिल्ड्रंस एंड द ट्राइबल पीपल एक्सेट्रा। गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट desirable changes in the society by implementing laws. In short, governments in modern times have to take decisions related to the different issues, right from space research to public cleanliness. This is governance or administrations. Having understood the meaning of constitutions and governance, we shall now see how the Indian constitution was made. मतलब राज्यों का कारोबार मतलब क्या, देश की सीमा रेशाओं का, मतलब बाउंड्रीज का रक्षण करना, रक्षा करना, परकीय आक्रमण होता है उससे जनता का रक्षण करना, इधर इससे लेके गरीबी का निर्मूलन करना, रोजगारों की निर्मित करना, शिक्षा, आरोग्य सेवा, उद्योग व्यवसाय, उनको प्रोत्साहित करना, दुर्बल घटक रहते हैं उसको सुरक्षा देना, महिलाओं को, बालकों को, आदिवासी की प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए उपाय योजना करना, इससे जो रिलेटेड सारे जो कायदे होते हैं वो करने लगते हैं, मतलब करना पड़ता है। और कायदों के अनुसार अमल बजावनी करना, मतलब वो कायदे फॉलो करने के लिए योग्य मतलब जो सही निर्णय है और उससे बदलाव लाना पड़ता है समाज में, और उससे इन शॉर्ट मतलब क्या,
जो मॉडर्न जनरेशन में जो सरकार है उसको पब्लिक मतलब सार्वजनिक स्वच्छता तक जो भी सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, जो अभी मैं बोली दरिद्र निर्मूलन मतलब रोजगार के निर्मित, ये सारे निर्णयों पर चर्चा करनी पड़ती है, उससे अच्छे निर्णय लेने पड़ते ताकि जनता का उस पर हित हो जाए। इन सब का निर्णय लेना पड़ता है और इसी को ही क्या बोलते हैं, राज्य कारोबार। संविधान में संविधान और उसकी आवश्यकता, राज्य कारोबार, राज्य कारोबार की कारोबार का अर्थ और उसकी आवश्यकता क्या है, उससे रिलेटेड दोनों का नाता क्या है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशंस और कॉन्स्टिट्यूशंस, तो इसके बारे में देखेंगे। बैकग्राउंड ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब संविधान की निर्मिति किस तरह हुई। द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंस्टेड दैट इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी गवर्न्ड नॉट बाय द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश बट बाय लॉज मेड बाय इंडियंस देमसेल्व्स। अ कमिटी वॉज एस्टेब्लिश टू प्रॉपर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया, इट केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब भारत के संविधान की निर्मिति के लिए इस विषय मतलब 1946 को स्टार्टिंग किया। स्वतंत्र भारत का जो राज्यों का कारोबार था, वो कारोबार वो ब्रिटिश के नियमों के अनुसार चलेगा नहीं, ऐसा भारतीय लोगों ने कहा था, तो उन्होंने खुद तैयार किए हुए कायदों से चलेगा, कानूनों से चलेगा, ऐसा स्वतंत्र आंदोलन में जो लीडर्स थे उनका कहना था। और उससे ही भारत का संविधान तैयार करने के लिए एक समिति स्थापन कर की गई और उस समिति को संविधान सभा इस नाम से पहचाना जाता था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ऑन August 15, 1947। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्स ओवर इंडिया, दे हैड डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंस लाइक बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कॉन्वेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। द एडमिनिस्ट्रेशंस इन दिस प्रोविंस वॉज कैरिड आउट बाई पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स। सिमिलरली द लोकल प्रिंसेस वेयर कैरिंग आउट द एडमिनिस्ट्रेशंस इन सम एरियाज, सच एरियाज वेयर नोन एज princely states and their chiefs were known as prince. The representatives of the province and the princely states were included in the constitution's assembly. There were a total of 299 members in the constitution's assembly. Dr. Rajendra Prasad was the president of the constitution's assembly. So students, 15 august 1947 को अपने देश को आज़ादी मिली, और उसके पहले भारत में ब्रिटिशों का राज था, ब्रिटिशों के सरकार के राज्य कारोबार से उन भारत के तीन भाग पड़े थे, मतलब मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत, ऐसे तीन भाग हुए थे। और इन प्रांतों में लोक प्रतिनिधि के थ्रू चला रहे थे तभी का शासन, और उसके लिए देश का कई भाग कोई कोई राजा के हाथों में था और उसी को ही संस्थान कहते थे। और उस एरिया का जो प्रमुख था वो राजा ही था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो गई तो ये सारे जो प्रांत थे वो इकट्ठा हो गए संविधान में 299 मतलब 299 मेंबर्स थे। और उसके जो मेन जो अध्यक्ष थे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेन थे वो थे, देखिए ये राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डॉक्टर दी कॉन्स्टू
कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान क्या था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी मसूदा संहिता के अध्यक्ष थे। ही हैड स्टडीड इन डेप्थ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने अनेक देशों के संविधान का बारे में पढ़ा था। ही स्टडीड एंड कंप्लीट कंटेम्प्ट डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशंस। उन्होंने उसका अदर कंट्री के संविधानों का इतना पढ़ाई किया था, रात दिन पढ़ाई किया, उसके बारे में चिंतन किया, उसके साथ साथ उनसे ही उसके ही थ्रू अपने संविधान का एक मसूदा तैयार किया। स्ट्रक्चर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशंस वॉज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो तैयार किया हुआ संविधान का मसूदा है उसको ही संविधान के आगे उन्होंने क्रिएट मतलब बताया, और उसके जो पॉइंट्स थे उस पर चर्चा की गई। इट वॉज डिस्कस आर्टिकल्स बाय आर्टिकल, मैनी एडमेंट्स वेर सजेस्टेड बाई डिफरेंट मेम्बर्स। उसमें बहुत सारे कुछ क्यूरीज थी, उसको भी चेंजेस किया गया और बहुत सारे मेम्बर्स ने उसमें ओपिनियन दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट, आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चन राइज्ड ऑन इट, मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर द सजेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस असेंबली एंड मेकिंग एवरी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉलेस ड्यू टू द हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टूवर्ड्स द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान का मसूदा संविधान समिति के सामने दिया था तो उसके बारे में बहुत सारे मेंबर्स ने चर्चा की और बहुत सारे बदलाव भी उसमें किए गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसमें बदलाव किए और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ही भारत के संविधान के शिल्पकार कहा जाता है। द नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इनएक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड इन ऑन 26 नवंबर 1949। देयरफॉर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज कंट्री एज कॉन्स्टिट्यूशन डे। सो बच्चों बहुत हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इधर दिया है बच्चों, इसमें जो रिलेटेड सारे लीडर्स थे मेंबर्स थे इधर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजिनी नायडू और मौलाना आज़ाद, ये सब उसमें शामिल थे बच्चों। और अपने संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को असेंबली अपनी मतलब मसूदा संविधान का दिया था, तभी का ये पिक्चर से बच्चों। सो आपको इसके क्वेश्चन आंसर फिलअप करने हैं। सो